गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द साइनप्टोफोर एंड मेजर एम्ब्लायोस्कोप. लाइक हम जानेंगे इस लेक्चर में जो हमारा साइनप्टोफोर जो होता है वो क्या होता है, लाइक जिसको हम मेजर एम्ब्लायोस्कोप भी बोलते हैं. इसको एम्ब्लायोस्कोप क्यों बोलते हैं, स्पेशली क्या हम इससे एम्ब्लायोपिक को डिटेक्ट करते हैं. एक तरह का ये एम्ब्लायोपिक स्कोप है डिटेक्ट करने का. सो इसके बारे में आज हम डीपली जानने वाले हैं कैसे वर्क करता है, लाइक हम पेशेंट पर कैसे इसको परफॉर्म करते हैं. तो इंट्रोडक्शन के बाद इसका थोड़ा इसके पार्ट्स के बारे में हम जान लेते हैं. लाइक यहाँ क्या है, ये हमारा फोरहेड रेस्ट कंट्रोल होता है, ये हमारा चिन रेस्ट होता है जहाँ पेशेंट को चिन को रेस्ट कराते हैं, ये स्लाइड होल्डर है जिसमें हम स्लाइड को पुट करते हैं, ये रोटेट्स ट्यूब है वर्टिकली, देन ये हमारा वर्टिकल डेविएशन कंट्रोल करता है, रोटेट स्लाइड्स वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल कंट्रोल लॉक है ये हमारा, और टॉर्जन कंट्रोल है, ये फ्यूजन वर्जेंस कंट्रोल है हमारा, ट्यूब लॉक है ये, ट्यूब लाइट कंट्रोल है ये हमारे, दिन हाइट कंट्रोल है ये हमारा, ऑन ऑफ स्विच है, IPD एडजस्टर है, देन हॉरिजेंटल डेविएशन कंट्रोल है. तो ये हमारे साइनप्टोफोर के मेन पार्ट हो गए. लाइक इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. सो उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. साइनप्टोफोर वर्सेटाइल्स एक्यूरेट एंड इजी टू यूज़. तो इसका इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे साइनप्टोफोर क्या है. ये वर्ड्स को अगर हम अलग अलग इसको हम एक तरह से डिवाइड करके अगर हम इसके बारे में बात करें तो इन वर्ड्स का क्या मीन्स है. तो साइन का मीन्स है ओप टू फोर, मीन्स ग्रीक वर्ड है साइन विद. ओप्स का मीन्स है आई एंड फोर्स का फोरोस का मीन्स है वेयरिंग. तो इसको क्या है एक तरह से पूरे वर्ड को क्या है इन्होंने डिवाइड करके यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. फॉर जनरेशन द साइनप्टोफोर हैज़ बीन द स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ चॉइस फॉर द विजी ऑर्थोप्टिक लेग. ये क्या है हमारा एक तरह का हम इसको यूँ कहें क्या इसको हम क्या है ऑर्थोप्टिक भी कह सकते हैं क्लिनिकल लाइन में. इट इज़ आइडियली फॉर असिसमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑकुलर मोटिलिटी डिसऑर्डर बाई रिलीवली परफॉर्मिंग द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बाइनोकुलर विजन असिसमेंट अवेलेबल टूडे. इसमें क्या है ये हमारा एक तरह का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या अपना जो असिसमेंट जो करते हैं लाइक जो ट्रीटमेंट जो करते हैं वो ऑकुलर मोटिलिटी डिसऑर्डर को हम एक तरह से इसमें देखते हैं बाइनोकुलर विजन को देखते हैं. Easy to use, the versatile and accurate Synaptophore provide precise measurement in a single effortless examination. Standard measurement and treatment include the assessment of the objective and subjective angle of deviation, abnormal retina corresponding cyclophoria, hyperphoria, hyperphoria and horizontal and vertical वर्जेंसेज. तो इसके अगर मैं इसके स्टैंडर्ड मेजरमेंट की बात करूँ इसके अंदर जो हमारे ट्रीटमेंट क्या है इंक्लूड रहते हैं जिसको हम असिस्टमेंट करते हैं जिनका सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एंगल डेविएशन एबनॉर्मल रेटिनल क्रेस्पॉन्डिंग जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ARC बोलते हैं एंड साइक्लोफोरिया हाइपरफोरिया लाइक ये हमारे क्या एक तरह के फोरिया होते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वर्जेंस. तो उसके बाद इस नेक्स्ट इंट्रोडक्शन अगर इंट्रोडक्शन की बात करूँ दिस इंफॉर्मेशन हैज़ बीन डिज़ाइंड फॉर अ आई केयर प्रोफेशनल एंड इज इंटेंडेड हैज़ अ क्विक एंड ईजी कॉम्पेनियन एंड नॉट एज अ फॉर्मल टीचिंग एड्स. लाइक ये जो पूरी इंफॉर्मेशन जो एक तरह से देते हैं या वो आई केयर प्रोफेशनल देते हैं लाइक हमारा ऑप्टोमेट्रिस्ट हो गया ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट हो गया ये जो पूरी इंफॉर्मेशन या पूरा असिसमेंट करते हैं ट्रीटमेंट करते हैं लाइक उसको नॉर्मली कोई भी नहीं कर सकता कोई नहीं पढ़ा सकता. सो हैज ईच असिसमेंट इज हाईली इंडिविजुअल द प्रोफिशिएंट यूज ऑफ साइनप्टोफोर कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड स्किल इंटरप्रेटिंग एंड पेशेंट रेस्पॉन्स करेक्टली. हिस्ट्री की बात करूँ मैं इसकी द साइनप्टोफोर डिजाइन एज अ अंडर जर्म्स मैनी चेंजेस ओवर द ईयर. इन 1838 सर चार्लेस व्हाटस्टोन्स कंस्ट्रक्टेड टू द फर्स्ट स्ट्रेस्कोप इन द फर्स्ट स्ट्रेस्कोप.
सो 18 इट साइन अप टू फोर को क्या है, बहुत सारे लोगों ने डिज़ाइन किया अलग अलग तरह से. लाइक फर्स्ट जो साइन अप टू फोर आया था वो 1838 में आया था. किन्होंने इसका सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा था? चार्ल्स विट स्टोन ने इसको क्या इंट्रोड्यूस किया था. देन इन द अर्ली 20th century, देन उसके बाद क्या है 20th century में क्या है, क्लाउड वॉर्थ प्रोड्यूस द एम्ब्लायोस्कोप टू एवेल्यूट द स्टिमुलेट वाइनोकुलर विजन. उसके बाद क्या है इसको क्लाउड फॉर्ड ने प्रोड्यूस किया था 20th century में एवेल्यूट स्टिमुलेट वाइनोकुलर विजन के लिए, टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ साइमल्टेनियस परसेप्शन एंड मेजर द एरिया ऑफ सुप्रेजन. एमसी मैडॉक्स फर्स्ट डेवलप स्लाइड्स टू यूज दीज अर्ली डिवाइस. लाइक इसमें क्या है ऐसे धीरे धीरे चेंजेस आते गए, हमारा साइमल्टेनियस परसेप्शन और जो हमारा सुप्रेजन होता है, एक तरह की हमारी क्या है स्लाइड्स होती हैं जो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं. लाइक उससे हम कैसे साइन अप टू फोर में उसका हम यूज़ करते हैं. इनिशियली बेस्ड ऑन दीज इंस्ट्रूमेंट साइन अप टू फोर मेजर एम्ब्लायोस्कोप हैज बी एंड evolved from measuring angle of deviation, treating binocular anomalies and has utilized ploptics since Clement's Clerk's first patient in 1929. So, third models हैं इसके. first जो था हमारा 2001 में आया था, then second 2002 में, third 2003. तो ये हमारा इसको हम ओवरव्यू थोड़ा वो कर देते हैं स्किप, देन मेन पॉइंट पर हमारे आते हैं. बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है, द आईपीस कंसिस्ट ऑफ प्लस 6.50 डाइस्फीयर कॉलिमेटिंग लेंसेज. लाइक इसमें क्या है हमारा जो लेंस जो लगे होते हैं प्लस 6.5 डायोप्टर का प्लस का लेंस होता है, विच रिक्वायर द पेशेंट टू रिलैक्स देयर एकोमोडेशन. क्यों है इसमें क्या है, पेशेंट को रिलैक्स एकोमोडेशन जो उसको रिलैक्स कराने के लिए हम, जैसे कि आपको मैंने बताया फॉगिंग टेस्ट करते हैं उसमें प्लस लेंस का यूज़ करते हैं. प्लस लेंस क्या करता है, एकोमोडेशन को रिलैक्स कर देता है. हैज़ इफ़ लुकिंग इन टू द इन्फिनाइट डिस्टेंस अ प्लेनो सिल्वर्ड मिरर इफेक्ट्स 19 अलोंग द टू सिलेंड्रिकल कॉनिकल ऑप्टिकल ट्यूब. दीज ट्यूब्स पिवोट horizontally and vertical the torsionally on this support to the so what the two presented image may be move in relation to each other. So इसमें हम क्या करते हैं, at the end of the tubes there is a light source which evenly illuminate the transparencies as a plastic screen diffuse light from the lamp one. As the sign up to four is adjust to produce the required measurement at the series of alternative size lights as well as various scales as required. Various scales are required. The scales on the sign up to four to measure the displacement are degree and prism diopter. सो अब हम बात करते हैं स्लाइड्स का. लाइक हम कैसे स्लाइड, लाइक यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये हमारे साइमल्टेनियस प्रशप्सक में एसपी की स्लाइड्स हैं. लाइक ये हमारा यहाँ ये पेशेंट की आईज है. तो पहले हम इसके थ्योरी के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगी. लाइक स्लाइड्स हम कैसे लगाते हैं, देन उसके बाद हमें इसको कैसे फ्यूज़न होकर हमें स्लाइड्स दिखाई देती है. अगर हमारा बाइनोकुलर विज़न सही है, एआरसी नहीं है, लाइक आईज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. ऑल ग्रेड्स बाइनोकुलर सिंगल विज़न बीएसपी कैन बी असिस्ट ऑन दी साइन अप टू फोर. फर्स्ट है हमारा इसमें एसपी, ये हमारी का एक स्लाइड होती है. द फर्स्ट ग्रेड ऑफ वीएसपी साइमल्टेनियस प्रशप्शन रेड वाइंडिंग इज टेस्टेड यूज्ड टू डिसिमिलर पिक्चर सच एज लॉइन एंड केस. लाइक इसमें क्या है, हमने दो तरह की वीएसपी कराने पर मीन साइमल्टेनियस प्रशप्शन कराएंगे हम, तो इसमें दो तरह के हमारे पास स्लाइड्स हैं. लाइक एक में क्या है शेर है, देन दूसरे में क्या है पिंजरा है. द ट्यूब्स आर ऑब्जेक्टिवली बाई द एग्जामिनेशन एंड द सब्जेक्टिवली बाई द पेशेंट एडजस्ट टू दैट द आइदर द लॉइन इज प्रोवाइडेड टू द इनसाइड द केस और वन इमेज इज सुप्रेस्ड. सो इसमें क्या है, जो एग्जामिनर जो होता है वो प्रॉपर क्या इंस्ट्रक्शन देता है पेशेंट के लिए. सो ये क्या है हमारी जो आइज जो आप देख रहे हैं, लाइक ये पेशेंट की आइज हैं.
सो इसमें हम देखेंगे इस एक साइड में हम क्या है, एक स्लाइड को पुट कर देते हैं, देन दूसरी साइड में दूसरी स्लाइड को पुट कर देते हैं, धीरे धीरे पेशेंट को बोलते हैं उसको पुफ करने के लिए, लाइक सो जो फ्यूज़न होगा, लाइक जो फ्यूज़न जो देखने को मिलेगा, तो जो स्लाइड्स जो अलग अलग स्लाइड्स हैं लाइक लॉइन की और गेज की, वो हमें क्या है, लॉइन जो है वो गेज में दिखाई देगा, लाइक स्लाइड साइज फोबियल 1 डिग्री, एंगल सबटेंडेड, मैकुलर 1 डिग्री टू 3 डिग्री, पैरामैकुलर 3 डिग्री टू 5 डिग्री, पेरिफेरल 5 डिग्री. सो ई स्लाइड साइज हैज़ बीन कैलकुलेटेड टू सबटेंडेड द डिफरेंट एंगल एट द नोडल पॉइंट ऑफ द आई. तो इस तरह से अगर पेशेंट के विजन नॉर्मल है तो स्लाइड्स हमें कुछ इस तरह की दिखाई देगी. सो द पेशेंट शुड बी सीटेड एट द सिनेप्टोफोर. पेशेंट को हम सिनेप्टोफोर पर बिठाएंगे. द इंटरपुपलर डिस्टेंस शुड बी एडजस्ट टू सो द लाइंस ऑन द आईपीस लाइन अप विद द कॉर्नर रिफ्लेक्शन. जो हमारे इंटरपिपलर डिस्टेंसेज को हम क्या है, हमें एडजस्ट करनी है, देन उसके बाद लाइन पर आईपीस पर हमें पेशेंट को बिठाना है, देन कॉर्नर पर रिफ्लेक्स जाएगा. द सिमिलर पिक्चर इज दैट द लाइन शुड बी प्लेस इन द स्लाइड होल्डर इन फ्रंट ऑफ द फिक्सिंग आईज, व्हाइल इज द लार्जर पिक्चर शुड बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ फॉलो आईज. ऑब्जेक्टिव क्या है, वाई अल्टरनेटिव स्विचिंग ऑफ द लाइट्स इल्यूमिनेशन स्लाइड्स अल्टरनेट कवर टेस्ट इज परफॉर्म. लाइक क्या करेंगे हम, स्विच को क्या है ऑफ कर देंगे, जो इल्यूमिनेशन है अल्टरनेटिव कवर टेस्ट, द पेशेंट्स आईज द डिसोशिएटेड एंड द सिंगल इल्यूमिनेशन पिक्चर इज प्रोजेक्टेड इन टू इच फोबिया अल्टरनेटिव एंड आर रीफिक्सेशन मूवमेंट अकर्स. The direction of the eye movement examination. So guys, आज के सिनेप्टोफोर के फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, देन नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में.